अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोचर ब्लॉसम कंपनी और कल्याण ट्रस्ट के इश्तराक से त्राल कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों में ज़हरी तालीम सैकड़ों तलबा में जूते बैग और किताबें तकसीम की। प्रोग्राम में इलाके के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों के मुलाजमीन और अफसरान भी मौजूद रहे। मुंतजमीन ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए मुनक्किद किए जाएंगे। आखिर पर स्कूलों के मुंतजमीन ने मज़कूरा प्रोग्राम मुनक्किद करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। जो कोचर ब्लॉसम एरोमा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है एरोमा में, तो उनके ऑनर और हेड हैं मेरे साथ, इनके एचआर हेड भी हैं और पीआर हेड भी हैं। उसके अलावा जो कल्याण ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, दिल्ली में बहुत सारे स्लम्स में पढ़ाते हैं और मोस्टली जो लंगर है इनका, आप दिल्ली में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर नीडी लोगों के लिए लंगर देखेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछले साल भी, तो इन लोगों ने मान ली। इस साल भी सीएसआर प्रोजेक्ट जो कंपनीज के होते हैं तो उसमें दे हेल्पड अस, तो इन्होंने हमें इंश्योर किया कि अगली बार कुछ हम डिफरेंट टाइप के, जिस तरह स्किल के बारे में बात की, स्किल डेवलपमेंट, तो ये ट्रेंड करवाएंगे बच्चों को ब्यूटिशन कोर्सेज के लिए, बाकी कोर्सेज जो इनके एरोमा प्रोडक्ट्स में होते हैं या रॉ मटेरियल इनका यहाँ हमारे पहाड़ों से निकलता है, लेवेंडर है, सैफरान है, हनी है, उसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है। ये वो भी चाहेंगे कि अगर यहाँ से लोग तैयार हो जाते हैं तो वो हम इनको सप्लाई वहाँ दे सकते हैं, एक रोज़गार के तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो उसके अलावा जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्कूलों में मैंने रिक्वेस्ट की है इनको कि डिजिटल क्लासरूम्स जो है, स्मार्ट क्लासरूम्स, उसके लिए कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में हमारी कोशिश रहती है। यहाँ मैं जो ट्रस्ट चला रहा हूँ, अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट, तो मैंने कोशिश की, मैंने इनको रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मांगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि दे केम फॉर फ्लॉन्ग एरिया ऑफ त्राल। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हरबख्श को थैंक यू बोलना चाहूँगी, ब्लॉसम मैम को, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं दिल्ली में भी और यहाँ पे भी। और सर, हम लास्ट ईयर भी आए थे यहाँ पे त्राल में, हम बच्चों को यहाँ पे बैग्स और बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करे थे, और तब हमें लगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे अभी बहुत सारी बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही, देयर विदाउट शूज़, सॉक्स नहीं है उनके पास, और हमें लगा कि अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो उसमें कोई एरिया बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस हो हमें वहाँ पे जाके हेल्प करनी चाहिए। सो लास्ट ईयर आए थे तो लगा यहाँ पे अभी स्टेशनरी की, शूज़ की, बुक्स की ज़रूरत है, तो हम अभी इस साल वापस आए हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हम कुछ और इनके लिए जो भी ज़रूरी है वो करें।